हर हर महादेव। आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारे ब्लेसिंग्स, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव आप सभी को। आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट एनर्जीज। ये डेक से मैं आपके लिए देखूंगी और ये डेक से आपके पार्टनर्स के लिए। चलिए, ये वीडियो जब भी आपके सामने आएगा उस वक्त की आप दोनों की करंट एनर्जीज। हर हर महादेव। आप जिस भी गॉड को बिलीव करते हो उनको आप अपने माइंड में रखिए एंड प्रे कीजिए कि आपको राइट आंसर मिले। सो ये थोड़ी पॉजिटिविटी के लिए जो जो भी देख रहा है उनकी करंट एनर्जीज क्या है प्लीज बताइए। ओह माय गॉड, आप लोग बहुत कुछ सोचते हो। ओके, एक ही शॉट में मिल गए सारे कार्ड। ओके, और ये बॉटम की एनर्जीज, बहुत दर्द में हो ना आप लोग। ओके, अब मैं आपके पार्टनर्स की एनर्जी चेक करती हूँ। ये वीडियो जो भी देख रहा है उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्लीज बताइए। आपके पार्टनर्स भी बहुत सोचते हैं आपके बारे में। आगे, ओके, आप दोनों के कार्ड आ गए। अगर कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत होगी तो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड देख लेती हूँ, यहाँ पे रख देते, ठीक है। ओके, किंग ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ वॉन्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द चैरियट एंड बॉटम की एनर्जीज इज हेरोफेंट। ओके, अगर पास में आपको बहुत दर्द मिला है और वो आपकी वजह से मिला है, आपको दर्द आपके रिश्ते में आपकी वजह से आपको दर्द मिला क्योंकि आप ऑन एंड ऑफ नेगेटिव होते थे। यहाँ पे बहुत सारे शिव पार्वती भक्त भी हैं, ठीक है, कृष्ण भक्त भी लग रहे हैं मुझे, बट ज़्यादातर शिव भगवान के भक्त हैं, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादातर नेगेटिव पॉजिटिव जा रहे थे और आपने नेगेटिव मैनिफेस्टेशन किया है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आपका रिश्ता अभी सेपरेशन मोड पे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको करियर में भी थोड़ा डाउनफॉल मिला है, बट आपकी एनर्जीज के हिसाब से ये लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला है। सबको ये बोला जा रहा है कि आप नॉलेज को स्प्रेड कीजिए। जब आप नॉलेज को स्प्रेड करोगे ना तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा, ठीक है। और दूसरा एक और चीज है, आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो। सबको ये बोला जा रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो सोच समझ के कीजिए, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जो भी आप करते हो आपको सोच समझ के मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स वापस आ गए हैं एंड उन्होंने आपको शादी का प्रपोजल दिया है, या कुछ लोगों के पार्टनर्स की शादी हो भी गई है। आई एम वेरी सॉरी बट इट्स ओके, आपके नसीब में जो होता है वही होता है। सो जो ऊपर वाला ने चाहा है वही होगा आपकी लाइफ में, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की, यहाँ पे एक टावर कार्ड आया नहीं है बट मुझे ये महसूस हो रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में भी टावर मूवमेंट चल रहा है। बहुत पेन में हो, करियर में भी कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो बट हो नहीं रहा अच्छे से। बट अगर छोटा प्रॉफिट भी मिल रहा है ना तो आपको डिवाइन ये कह रहा है कि आप उसमें आगे बढ़ो, ठीक है। एक बार मैं देख लेती हूँ ओवरऑल एनर्जीज आपकी। यस, आपकी लाइफ में अभी आपको स्लो ग्रोथ मिल रहा है बट सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, बैलेंस भी आएगा, ठीक है। आपको थोड़ा दान करना चाहिए, जितना आपके पास है उतना नहीं पर थोड़ा बहुत तो आप कीजिए। जब आप थोड़ा दोगे तब आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक गुरु मिला है। अगर आपको अपना गुरु मिले है तो आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और आप
उनसे ज्ञान लीजिए, जितना ज्यादा नॉलेज आप लोगे उतना ही आप लाइफ में ग्रो करोगे, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी नजर आपको लगी थी ना, वो सारी नजर निकल गई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको हेडेक प्रॉब्लम हो सकता है, ज्यादातर राइट साइड में आपको पेन हो सकता है, स्टमक इश्यूज है। आप लोग अपना टाइम टू टाइम खाना नहीं खा रहे हो, आप पानी बहुत कम पी रहे हो, नी के नीचे भी आपको पेन आता है लेग में, राइट लेग में मेनली, लेफ्ट लेग बहुत वाइब्रेट होते हैं। आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा, आपके पार्टनर रिटर्न भी आ रहे हैं, जो लोग नो कॉन्टेक्ट में, आपके पार्टनर्स रिटर्न आ रहे हैं आपकी लाइफ में विद इन वन वीक, विद इन वन डे, विद इन वन मंथ। वन मंथ शायद मैं बोलूंगी नहीं, सिंस मैं रोज की रीडिंग कर रही, तो विद इन वन वीक बोलते हैं, ठीक है। सो ये थी आज की आपकी एनर्जीज। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या होती है, उसके बाद मैं मूनोलॉजी से भी निकालूंगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे रख देते हैं अभी आपकी पार्टनर्स की एनर्जीज। द वर्ल्ड विथ एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स विथ हर्मिट, लवर्स वाओ एंड विथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं। ओके, आपके पार्टनर सॉलिट्यूड में चले गए, आपसे बात नहीं कर रहे, मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर है वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, और ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, वो काम पे फोकस रख रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर दूर है तो वो बहुत जल्द आने वाले आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके रिश्ते में, ठीक है। एक साइकिल है जो आपकी लाइफ में एंड हुआ है, और एक नया साइकिल आपके रिश्ते में स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बर्थ से कनेक्ट कर रहे होंगे। आपकी पार्टनर की लाइफ में एक फेज था, एक रनर चेजर फेज, अब वो बहुत जल्दी एंड होने वाला है, और वो आके आपको बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते। उनको थोड़ा फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए। आपके पार्टनर अपने प्रॉब्लम ज्यादातर सबको बताते नहीं, अगर किसी को बताते तो वो उनको बहुत अपना मानते इसीलिए बताते हैं, ठीक है। मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर है, एक मिनट, एक मैं निकाल लेती हूं, जैसे मैंने थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपके पार्टनर्स के साथ आपकी बात नहीं हो रही है, या तो आपने ब्लॉक किया या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, तो वो रिटर्न आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यस, वेट कर रहे हैं कि कब अनब्लॉक होंगे आप या आपके पार्टनर जो भी, ठीक है। रिटर्न पीरियड डेफिनेटली है, बिकॉज अट्रैक्शन बहुत है, प्यार है, ग्रोथ है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक एक्शन होने वाला है, मैसेज आ सकता है, बहुत सारे लोगों को मैसेज आ सकता है, ठीक है। तो ये थी आज की आप दोनों की एनर्जी। अब थोड़ा मूनोलॉजी से भी मैं देख लेती हूँ, बिकॉज सिंस कल फुल मून है तो देखना बनता है, सदा आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिले। आज और कल दोनों दिन मैं मूनोलॉजी डेक यूज करूंगी, सदा आपको हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, और मैं दोनों के लिए निकालूंगी, आपके लिए, आपके पार्टनर्स के लिए। अगर आप कॉन्टेक्ट में हो तो आप अपने पार्टनर्स की हेल्प कर सकते हो, अगर नहीं हो प्रे कीजिए, ठीक है। प्रेयर्स हमेशा काम करते हैं। चलिए मूनोलॉजी से मुझे बताइए मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है। दो कार्ड, ओके, तीन कार्ड, ओके, और बॉटम, ठीक है। और मूनोलॉजी से मुझे बताइए मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की क्या एनर्जीज है, क्या गाइडेंस है। नहीं आना चाहता, वे कार्ड्स भी खेल जाते ना, आते ही नहीं है, जब आते तब इतने आते हैं पता ही नहीं चलता।
और ये बॉटम की एनर्जीज। चलिए देख लेते हैं। पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक करती हूँ, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपको कोई भी फियर्स है तो आपको ये बोला जा रहा है वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अगर आपको ये लगता है कि आपका रिश्ता खत्म हो गया है तो आपको ये बोला जा रहा है कि नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आपकी लाइफ में सक्सेस मिल सकेगा, आपके रिश्ते में सक्सेस मिल सकेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यस, आपको यही बोला जा रहा है, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने करियर के ऊपर काम कीजिए और बिलीव कीजिए कि आप मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अगर अभी तक आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है वो सब आपको मिलेगा, सबका फल आपको मिलने वाला है। देखिए दिख रहा है, सबका फल आपको मिलेगा। सो डोंट वरी, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मैं आपके पार्टनर्स का देखती हूँ। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। मैंने क्या बोला, एक साइकिल एंड होके एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है आप दोनों की लाइफ में। ब्रिंग लव इन टू सिचुएशन। यस, लव, लव इज गोइंग टू एंटर, रोमांस इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ विथ योर पार्टनर। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, आपके पार्टनर ने एक्स्ट्रा कार्ड ले लिए। What do you need to release? जो भी negativity है आपके partners को थोड़ी बहुत release करनी है, जो belief है, जो वो सोच रहे हैं, कभी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो वो सारी चीजें उन्हें release करनी है। जो भी आपके रिश्ते को hamper कर रहा है वो सारी चीज release करनी है। And yes, your commitment is being tested. दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, your commitment is being tested. So यहाँ पे बहुत सारे लोगों को commitment मिलने वाला है, आपके partners return आ रहे हैं। So don't forget to claim this positive energies. God bless you all and Harar Mahadev. अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद है then please like the video and hit the subscribe button too. God bless you all and Harar Mahadev. Thank you.